हेलो वेलकम एवरीवन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम एवरीवन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू नमस्ते नमस्कार आदाब सत जय हिंद कैसे हैं आप सब लोग कैसे हैं आप सब लोग हाउ इज एवरीबडी वेरी वॉम वेलकम वॉम तो नहीं है बेटा ठंड बहुत है वॉम तो बिल्कुल भी नहीं है राइट बट हाँ वेलकम आप सबको जरूर है जी चलिए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स उनतीस बारह दो हजार बीस के साथ इस ठिठुरती हुई ठंड के अंदर डेली करंट अफेयर्स का इस सेशन को हम आरंभ करते हैं क्लास शुरू करने से पहले मैं बताऊंगा जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ मंडे टू फ्राइडे सोमवार से शुक्रवार दोस्तों डेली करंट अफेयर्स आप सबको मेरे साथ वसु सर के साथ वीके सर के साथ करने का मौका मिलता है और मेरे को आप सब लोगों को पढ़ाने का सौभाग्य मिलता है ठीक है ना चलिए बच्चों शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स के सेशन के साथ हम पहली खबर आज की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने सौवी किसान रेल की शुरुआत करी है अभी कल की ही तो बात थी जब भारत में पहली किसान रेल चली थी और सौवी किसान रेल नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत की सौवीं किसान रेल अब आप कहोगे सर ये किसान रेल है क्या देखो यार बात समझो आपको एक बात पता है भारत बहुत बड़ा है मान लो आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक फल या सब्जियां ट्रेन के माध्यम से ले जानी है ट्रेन के माध्यम से ले जानी है राइट ट्रेन के माध्यम से ले जानी है आपको देखने मिलेगा आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक जो कि महाराष्ट्र के अभी फिलहाल में सौवीं ट्रेन सगोला से शालीमार वेस्ट बंगाल तक जाएगी अब एक बात समझो यार फल सब्जियां रस्ते में जाते जाते खराब हो जाती थी पहले ट्रेन नहीं पहले रोड के माध्यम से ट्रक में भर के सब्जियां फल जाते थे कुछ सड़ जाते थे कुछ गर्मी की वजह से सड़ जाते थे इससे बेहतर ये नहीं है क्या एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप ट्रेन के माध्यम से फल और सब्जियों को ले जाए ये सही नहीं है क्या इज इट नॉट राइट भूमिका कह रही है सर आज पहली बार जुड़ी हूं वेलकम भूमिका आपका स्वागत है तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि भारत की सौवी किसान रेल को हरी झंडी दिखाई भारत के प्रधानमंत्री जी ने सौवी सौवी हंड्रेड ट्रेन संगोला महाराष्ट्र का इलाका है यहां से लेकर शालीमार वेस्ट बंगाल तक चली है शालीमार वेस्ट बंगाल तक चली है इस ट्रेन के अंतर्गत आपको गोभी कॉलीफ्लावर फूल गोभी शिमला मिर्च पत्ता गोभी और अलग अलग सब्जियां और फल ले जाते हुए दिखेंगे दोस्तों इसका फायदा क्या है एक इलाके से दूसरे इलाके तक जब भी कोई चीज ट्रांसपोर्ट होती थी ना जब भी कोई चीज ट्रांसपोर्ट होती थी तो खराब हो जाती थी इससे कम से कम सुरक्षित रहेगी चलिए आगे बढ़ते हैं केंद्र सरकार ने 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का फैसला किया है फल और सब्जियों के ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर मतलब अगर सौ रुपए किसान को क्या लागत आएगी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए सरकार पचास रुपए अपनी जेब से दे देगी पचास प्रतिशत अपनी जेब से दे देगी अच्छा सवाल बनेगा आपके एग्जाम के अंदर भारत के अंदर पहली कौन सी रेल थी जो कि चली थी किसान रेल के तौर पर वो थी देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक देवलाली से दानापुर दानापुर, ओके, okay. जो कि 7 अगस्त को 7 अगस्त 2020 को शुरू की गई थी आगे बढ़ते हैं दोस्तों लद्दाख के सु, इस सुंदर इलाके के अंदर आपको सोकार नाम का इलाका सो कार नाम का इलाका देखने मिलेगा इसको अभी सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का टैग मिला है राइट सवाल क्या बनेगा एग्जाम पर एग्जाम के अंदर आपको किसी भी यूपी पीसीएस बिहार पीसीएस राजस्थान हरियाणा मध्य प्रदेश पीसीएस इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन जरूर से बनेगा आज मैं गारंटी दे के बता रहा हूं आपको कि ये कौन से राज्य के अंदर है लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी के अंदर है सो कार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स आपको देखने मिलेगा कि इसकी खा, खासियत क्या है खूबी क्या है तो सबसे पहली बात तो ये एक वेटलैंड है वेटलैंड का मतलब एक पानी का इलाका जल भराप का इलाका इंडिया ने सो कार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को लद्दाख के अंदर बयालीसवीं रामसर साइट के तौर पे बनाया है राइट right? बयालीसवीं फोर्टी सेकेंड रामसर साइट के तौर पे जो कि सेकेंड है इट इज द सेकेंड वन इन दी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख 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 के अंदर पहले से एक सो मुरीरी के नाम से है और सो कार आपका दूसरा लद्दाख का लद्दाख नामक केंद्र शासित प्रदेश का वेटलैंड साइट है ये सवाल एग्जाम में जरूर से पूछा जाएगा आज लिख के दे रहा हूं मैं ठीक है ना लिख के दे रहा हूं अच्छा दो नदियां इसमें से बहती हैं राइट उनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है बस आपको याद ये राज्य याद रखना है केंद्र शासित प्रदेश है हमारे पास लद्दाख का एंड इट इज द फोर्टी सेकेंड बयालिसकेंड रामसर साइट है फोर्टी सेकेंड राइट फोर्टी सेकेंड सवाल बनता है उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट है मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल में कुछ रामसर साइट जुड़े हैं टोटल रामसर साइट्स इन उत्तर प्रदेश हाउ मेनी उत्तर प्रदेश और अलग अलग राज्यों के अंदर कितने राम दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा आठ रामसर साइट यूपी के अंदर छह है आपके पंजाब के अंदर उत्तर प्रदेश में टोटल आठ रामसर साइट है और छह है पंजाब के अंदर याद रखना बेटा ये डेली करंट अफेयर्स है ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास है मेरे प्यारे बच्चे रोज हम समसमायिकी से संबंधित विषय देखते हैं और लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन भी करते हैं आपके क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं याद रखिएगा चलिए सो so, कार के बारे में मैंने बताया टी एस ओ के आर रामसर साइट है भारत का जल भराव का इलाका है जो कि एक विशिष्ट इलाका है इट इज ए इंपॉर्टेंट एरिया वेटलैंड ऑफ इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के अंतर्गत आता है सवाल ये बन सकता है कि रामसर किस चिड़िया का नाम है रामसर एक शहर है ईरान के अंदर रामसर एक शहर है ईरान के अंदर जिसके अंतर्गत आपको देखने मिलेगा दोस्तों रामसर के अंतर्गत 1971 1971 के अंदर पहली बार एक बैठक हुई थी कि जितने भी जल भराव कितने भी जल भराव के इलाके हैं उन सब का हम रक्षा कर सके जैसे कि वाटर बॉडी समुद्र के किनारे हो गया लेक्स हो गई छोटी छोटी उनके अंदर चिड़िया पक्षी हो गए आपके चिड़िया हो गई जानवर होते हैं उनके रख रखाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण इलाके हैं राइट तो उनका हम रख रखाव कर सके देश की सरकार उनके बारे में जागरूक करे रख रखाव करे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी शुरुआत किया है दोस्तों पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक ट्रांजेक्शन आप में से कितने बच्चों ने जिंदगी में चेक कभी बैंक के अंदर लगाया है आपने कभी चेक देखा है बैंक के अंदर लगाते हुए कभी आपने यूज किया है चेक एक सकारात्मक वेतन प्रणाली पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत करी है सकारात्मक भुगतान एक जनवरी दो हजार इक्कीस से लागू हो जाएगी इसमें मान लो मुझे तुम्हें कुछ, तुम कुछ न कुछ पेमेंट करनी है मान लो कि मैंने तुम्हारी दुकान तुम्हारी कोई दुकान है और उससे कुछ सामान खरीदा बदले में मैंने तुम्हें उनचास हजार रुपए का चेक इशू करके दे दिया है बदले में तुम्हें उनचास हजार रुपए का चेक इशू करके दे दिया है मैंने अच्छा सर अब एक बात समझिए कि फोर्टी नाइन थाउजेंड का चेक दे दिया है अब तुम्हें तो तीन से चार दिन वेट करना पड़ता उस चेक को क्लियर होने के लिए और तुम्हारे अकाउंट में पैसे आने के लिए तीन से चार दिन का वेट करना पड़ता इंतजार करना पड़ता तो सर इंतहा हो गई इंतजार की तो आई ना खबर मेरे पैसे की तीन से चार दिन बीत जाते थे फायदा होता नहीं था कुछ अब हम एक पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत कर रहे हैं जो कि चेक जिनकी वैल्यू फिफ्टी थाउजेंड रुपीस राइट फिफ्टी थाउजेंड रुपीस तक का चेक होगा जिसके अंतर्गत अब इलेक्ट्रॉनिकली चेक की फोटो खींची जाएगी आप उसे एसएमएस के माध्यम से मोबाइल ऐप के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एटीएम के माध्यम से अलग अलग लोगों को जिसमें कुछ जानकारी देनी है आपको ऐप आप के अंदर मान लो एक एस का चेक काट के दिया एक व्यक्ति को जिसका खुद का खाता आईसीआईसीआई के अंदर है खुद का उस व्यक्ति का खाता आईसीआईसीआई के अंदर है उसने अपने फोन को निकाला फोन में ऐप में एस का चेक स्कैन किया चेक स्कैन किया चेक में जिसका भी बैंक अकाउंट जिसमें पैसा डालना है मतलब आईसीआईसीआई का अकाउंट उसका नंबर डाला आईएफएससी कोड डाला एक कोड होता है महत्वपूर्ण तो कोड होता है कोड वो डाला फोटो स्कैन कर ली और कितने अमाउंट का कितनी राशि का चेक है ये सारी जानकारी ले ली वो चेक बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा और इतना इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा इससे पॉजिटिव पे सिस्टम से चेक क्लियरेंस काफी आसानी से हो जाएंगे राइट ठीक है ना तो ये दोस्तों चेक के इस्तेमाल में धोखाधड़ी चेक के इस्तेमाल में धोखाधड़ी को रोकने के लिए किया गया आई एफ एस सी कोड आपने सुना होगा फुल फॉर्म पूछी जा तो की। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड कहा जाता है ग्यारह डिजिट का एक कोड होता है हर बैंक की ब्रांच को मिलता है तुम भी जरा पता करना तुम्हारे ज़... घर में ना मम्मी पापा या किसी का भी चेक निकाल के देखना उसके ऊपर एक आई एफ एस सी कोड लिखा होगा यहाँ पर इंडियन फाइनेंशियल इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन इंडिया फॉर ग्रीन हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन इंडिया किसकी शुरुआत करी है 500 मिलियन सुनिए 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 कितने अमाउंट की सवाल यहाँ पे बनेगा कि कौन से राज्य सरकार को कौन से राज्य सरकार को या कौन सी सरकार को किसने पैसा दिया है विश्व बैंक ने 500 मिलियन डॉलर्स दिए हैं दोस्तों 500 मिलियन डॉलर्स ग्रीन हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए जो कि भारत के एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के तौर पर उभरेगा अब आप भी कभी कभी सड़क से किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में ड्राइव करते हुए जा रहे हो तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी सड़क के आसपास कई सारे इलाके हैं जो बंजर पड़े रहते हैं क्यों ना हम वहां पे पेड़ पौधे उगा लें कोई तो गलत बात है पेड़ पौधे उगाने का लाभ क्या होगा आपने देखा है कई बार सड़क पर जब गाड़ियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं सड़क गर्म बहुत हो जाती है खासकर गर्मी के मौसम आ, sorry, के अंदर सड़कें गर्म बहुत हो जाती है ट्रेन सॉरी आई एम सॉरी रोडवेज के अंदर यह समस्या है रोड आपकी सी, जो काली सड़कें होती है गर्म बहुत हो जाती है अगर सड़क के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ लगा होगा या किनारे पेड़ लगे होंगे पौधे लगे होंगे तो सड़क का टेम्परेचर कंट्रोल्ड रहेगा छाव रहेगी दूसरी बात यह है कि जो भी आपके पेड़ पौधे लगे होते हैं तो देश के वन का संख्या फॉरेस्ट कवर की संख्या बढ़ती है यार हमें ना पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं तो हम क्यों ना उन इलाकों के अंदर लगा दें हम क्यों ना उन इलाकों के अंदर लगा दें कि जिससे भारत का फॉरेस्ट कवर भी इम्प्रूव हो वहां के लोगों को पेड़ पौधे ग्रीनरी भी ज्यादा मात्रा में दिखने लगे तो विश्व बैंक ने हाईवे के आसपास राजमार्गों के आसपास 500 मिलियन डॉलर की फंडिंग ग्रीन हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए शुरू करी है इसका वित्त पोषण के लिए अस्ताक्षर कर दिया है। भारत और विश्व बैंक ने 500 मिलियन का सहभागिता से ग्रीन हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार के साथ हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ और आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ, सरकार के साथ शुरू किया है इन चार राज्यों का ना एग्जाम में सवाल आना बिल्कुल संभावित है राइट इनका नाम याद रखना राहु, ये राहु वाले राज्य हैं। राहु का मतलब राजस्थान आंध्र प्रदेश हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश इन सड़कों पे पेड़ लगेगा तो राहु की दशा कम होगी ये सिर्फ मजाक के तौर पे बोल रहा हूँ तो विश्व बैंक का 500 मिलियन का विश्व बैंक का 500 मिलियन का ये जो 500 मिलियन का विश्व बैंक का प्रोजेक्ट चल रहा है राइट पाँच मिलियन का ये प्रोजेक्ट चल रहा है इसका लाभ क्या है कि इन चार राज्यों में फॉरेस्ट कवर लगाया जाएगा दोस्तों अगर आपको बफरिंग हो रही है या कुछ भी समस्या हो रही है यहाँ पे वीडियो देखने में तो सेम क्लास यूट्यूब पे भी चल रही है कुछ बच्चे क्लास में लेट भी जुड़े हैं तो यूट्यूब पे ये क्लास शुरुआत से जाके एंड तक देख सकते हैं मैंने लिंक अभी आपके साथ शेयर किया है ठीक है ना एंड प्लीज़ एक दूसरे के साथ एक दूसरे को डिस्टर्ब मत करो एक दूसरे से बातें मत करो प्लीज़ राइट मैंने चैट भी प्राइवेट कर दी है चलिए वेरी गुड आगे बढ़ते हैं दोस्तों ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट ये जो तो चार राज्यों में बनाया जा रहा है इससे हम सात सौ तिरासी किलोमीटर के राजमार्ग के पास पेड़ लगाएंगे बायो इंजीनियरिंग का लाभ लेने वाले हैं बायो इंजीनियरिंग का लाभ लेने वाले हैं हम जैविक तौर पे निर्माण को सड़कों के निर्माण को सहायता देंगे अच्छा प्रदूषण भी कम होगा ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस उस ग्रीन हाउस गैस का उत, उत्सर्जन भी कम होगा ग्रीन हाउस का उत्सर्जन भी कम होगा और हाईवे के बार बार रख रखाव पे जो कीमत आती है वो भी घट जाएगी क्योंकि हाईवे पे रख रखाव की कीमत काफी ज्यादा आती है पेड़ होंगे वेल मेंटेन्ड राइट तो फॉरेस्ट कवर तो इम्प्रूव हो ही रहा है भारत का बहुत सारे लाभ होंगे आगे बढ़ते हैं पांचवे पॉइंट पे चलते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा सुबुद्धि शुक्ला कह रहे हैं सर इसी टाइम पे क्लास भी चल रही है हमारी सुबुद्धि मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दे रहा हूँ आप बाद में भी देख सकते हैं मेरी क्लास को ऐसी कोई बात नहीं है अभी मैं यूट्यूब का लिंक देता हूँ आपको मेरे को क्या फायदा है इसमें आप सबको फायदा यही है कि एक तो हमारे यूट्यूब पी चैनल ग्रेडअप पी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सेशन को लाइक जरूर कर देना और भविष्य में आने वाली हर वीडियो को आप देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पांचवी खबर दोस्तों ये आपको दिख रही है ये क्या है सर ये पेन लग रहा है सर ये ना मिसाइल है मिसाइल है बाबू ये तो मिसाइल है अच्छा सर कौन सी मिसाइल है देखो सुनो मेरी बात ध्यान से डी आर डी ओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्था इसके द्वारा एम आर एस ए एम मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एम आर एस एम इस ये नाम ही काफी है एम का मतलब हो गया मीडियम आर का मतलब हो गया रेंज एस का मतलब हो गया सरफेस ए का मतलब हो गया एयर और एम हो गया मिसाइल मतलब ये ना ज्यादा ऊंचाई पे उड़ेगा ना कम ऊंचाई पे उड़ेगा राइट ना ज्यादा न कम ऊंचाई पे उड़ेगा आपको देखने मिलेगा बच्चों कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल मध्यम ऊंचाई पर उड़ने वाला सतह से हवा में उड़ने वाला एक मिसाइल है जो कि जमीन से हवा में वार करता है मान लो पाकिस्तान की तरफ से कल जाके कोई मिसाइल आ रही है हम या जेट आ रहा है पाकिस्तान से कोई प्लेन उड़ के आ रहा है हमारे ऊपर हमला करने के लिए हम जमीन से फायर करेंगे और सीधा उसको जाके हवा में ही ध्वस्त कर देंगे डिस्ट्रॉय कर देंगे राइट हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देंगे तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ दैट दिस मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल रिसेंटली विच बीन रिलीज बाई डी आर डी ओ अभी डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा लाई गई है ये आपका सेना का आर्मी का एक नया पहल है जिससे हवा में उड़ता हुआ कोई भी मिसाइल या जेट जो दुश्मन देश से आ रहा है उसको वहीं पे मारकर खत्म किया जा सकता है अभी इसका परीक्षण किया गया है कहाँ किया गया था इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर जो कि उड़ीसा के तट के पास है जो कि उड़ीसा के तट के पास है कहाँ पे है उड़ीसा उड़ीसा के तट के पास है

कुछ दुश्मनी चलती आ रही है जैसे कि सीरिया हो गया जैसे कि आपका सऊदी अरेबिया हो गया सीरिया हो गया अलग अलग देश हैं जिनसे दुश्मनी चलती हुई आ रही है उन देशों से लड़ने के लिए इसराइल ने ऐसी मिसाइल बनाई और भारत को भी बनाने में सहायता करी भारत के आसपास भी तो यार चाइना और पाकिस्तान जैसे गद्दार देश हैं जो कि कभी भी धम पे हमला कर सकते हैं और हमसे जलते हैं हमारी प्रगति से जलते हैं चलिए छठी खबर पे चलते हैं ये कौन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं साहब क्या किया है इन्होंने भारत का पहले भारत का पहला मेगा लेदर पार्क सबसे बड़ा लेदर पार्क लेदर लेदर पार्क कानपुर के अंदर बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कानपुर में स्थापित किया है अब मैं 125 प्रतिशत की गारंटी लेके बोलता हूँ कि अगली यूपी पीसीएस या यूपी की किसी भी परीक्षा में सवाल आएगा और हर एग्जाम में पूछा जा सकता है भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कहां पर है कानपुर यूपी के अंदर है कानपुर यूपी के अंदर है। हर सवाल में पूछे जाने की संभावना है राइट चलिए बहुत बढ़िया तो बेटा ये मेगा लेदर पार्क आपको रमईपुर गांव के अंदर कानपुर के अंदर देखने मिलेगा पांच हजार आठ सौ पचास करोड़ की कीमत पर ठीक है बेटा तो अभी केंद्र सरकार ने अभी इसको अनुमति दे दी है अब सर कहोगे सर लेदर का काम हो रहा है तो इसमें से रोजगार तो बहुत लोगों को मिलेगा बिल्कुल पचास हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है और प्रत्यक्ष रूप से और डेढ़ लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली तो बहुत लोगों को नौकरी मिलने वाली है तो कानपुर के अंदर अब आप में से कितने बच्चों को नबार्ड के बारे में पता है नहीं पता तो मैं बताना चाहता हूं देखो भारत के अंदर किसान गरीब है किसान की सहायता के लिए एक संस्था बनी थी जिसका नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड नबार्ड और कैनरा बैंक ने फ्रूट्स नाम की पहल शुरू करी है जो कि किसानों के लिए है कर्नाटका सरकार ने फ्रूट्स नाम की जो तो पहल शुरू करी है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम यह है फ्रूट्स आपसे सबसे पहले सवाल पूछा जाएगा फ्रूट्स के फुल फॉर्म क्या है या फ्रूट्स किस राज्य सरकार ने शुरू किया है कर्नाटका सरकार ने दूसरा सवाल बनेगा कि कौन सी संस्थाओं के साथ मिलकर कैनरा बैंक और नाबार्ड के साथ मिलकर बिल्कुल नाइनटीन राइट नाइनटीन एटी के अंदर शुरू किया गया था नबार्ड उन्नीस तो कनरा बैंक नबार्ड और कर्नाटका राज्य सरकार ने फ्रूट्स नाम का पोर्टल किसान पंजीकरण एवं एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली के तौर पर शुरू किया है जहां पे किसानों को हम क्या लाभ दे रहे हैं एक सूचना प्रणाली बनाकर दे रहे हैं जिसमें किसानों का हम डेटा कितना किसानों ने कर्ज लिया यार आपको पता है किसान गरीब है तो लोन भी लेंगे बैंकों से लोन लेंगे तो उसका रिकॉर्ड कहीं तो होना चाहिए इस पोर्टल के अंदर लोन का रिकॉर्ड होगा ठीक है ना तो कैनरा बैंक ने पायलट आधार पर फ्रूट्स योजना को चलाने के लिए सहमति दे दी है यह आपको खबर याद रखनी है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा अगले पॉइंट पे चलते हैं अभी मैं आपको ये एमसीक्यू भी कराने वाला हूँ आज के बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ डेली करंट अफेयर्स के ताकि ये पॉइंट अच्छे से तुम्हारे दिमाग में रम जाएंगे इसके बाद आठवीं खबर और जो बच्चा ये क्लास देख रहा है अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है क्लास देखने में आप सेम चीज हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं तो आप डेफिनेटली जुड़िएगा जरूर लिंक मैंने आपके साथ कमेंट बॉक्स में भी शेयर किया है आठवीं खबर डी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डी ने हेमंत कुमार पांडे जी को हेमंत कुमार पांडे एच के पांडे जी को एक पुरस्कार दिया है कौन सा पुरस्कार है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड सबसे अच्छे वैज्ञानिक 2020 के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड डीआरडीओ को मिला है डीआरडीओ को मिला है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड एच के पांडे हेमंत कुमार पांडे को जो ये अवार्ड मिला है ये क्यों मिला है सर इन्होंने ना ल्यूकोडर्मा नाम की बीमारी है ल्यूकोडर्मा नाम की बीमारी है जिसमें शरीर के आपको अलग अलग हिस्से हाथ पैर शक्ल सफेद पड़ती हुई व्हाइट पैचेस पड़ते हुए दिख जाते हैं व्हाइट पैचेस मैंने जानबूझ के इस बीमारी की फोटो नहीं डाली है वरना भेदभाव होता है ल्यूकोडरमा आपके स्किन के ऊपर अपर लेयर ऑफ स्किन के ऊपर व्हाइट सफेद पैचेस पड़ने लगते दो थे दो थे हैं रंग सफेद पड़ने लगता है राइट ल्यूकोडरमा मेरे खुद एक रिलेटिव को ये बीमारी है दोस्तों उनके लिए एक हर्बल ड्रग बनाई है बहुत अच्छी दवाई बनाई है एक हर्बल दवाई बनाई है ल्यूकोडर्मा के लिए हेमंत कुमार पांडे जी को इसलिए इनको साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है इस जो मैं ल्यूकोडर्मा कह रहा था इसको विटी लि, विटी लिगो यस वी आई टी आई एल आई जी ओ विटी लिगो नाम की बीमारी भी कहा जाता है राइट विटी लिगो नाम की बीमारी भी कहा जाता है इसको आगे बढ़ते हैं यस गुड इवनिंग टू यू बिल्कुल बिल्कुल चलिए ठीक है तो यही आपका सवाल बन सकता है कि किस कि साइंटिस्ट को मिला है अवार्ड और ये पांडे जी कहांम कहां करते हैं तो ये हर्बल मेडिसिन डिवीजन डीआरडीओ के अंदर ना बहुत ज्यादा अनुसंधान का प्रयास किया जा रहा है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका एक छोटा संस्थान है एक ऑफिस है डी के अंदर जिसका नाम है दिबर दिलबर नहीं है दिबर नाम है ध्यान से नाम याद रखना डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी रिसर्च ये डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी रिसर्च का काम है हर्बल मेडिसिन अलग अलग बीमारियों का हर्बल मेडिसिन का इलाज करना अभी कोरोना का भी मेरे हिसाब से ये हर्बल मेडिसिन ढूंढ रहे होंगे PDF का बताता हूँ एक सेकंड रुक जाओ आगे बता रहे हैं मेरे को आपको किसने बनाई है सवाल क्या बनेगा कि कौन सी संस्था में काम करते हैं DRDO की दीबर, Institute of Bioenergy Research में काम करते हैं। भारत के रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह जी ने हेमंत कुमार पांडे जी को भारत का बेस्ट साइंटिस्ट साइंटिस्ट ऑफ द ईयर इस वर्ष का सबसे अच्छे साइंटिस्ट की उपाधि से नवाजा है बहुत अच्छे भाई ये कौन है अब ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या नाम है इनका वेंकैया नायडू जी वेंकैया नायडू ने किताब लॉन्च करी है वेंकैया नायडू जी ने जिसका नाम है ओह मिजोराम ओह मिजोराम के नाम से किताब लॉन्च की गई है कि अगर आप मैप में लोकेशन देखेंगे तो भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है इट इज ए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन इंडिया मिजोराम आपको देखने मिलेगा दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड दिसन दिस बुक ओ मिजोराम ताकि मिजोराम के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़े इसके साथ साथ आपको देखने मिलेगा ये बुक इट इज रिलीज बाय द मिजोराम गवर्नर पी एस शीधरन पिल्लई जिसमें मिजोराम की ग्लोरी के बारे में पिल्लई साहब ने लिखी है मतलब बेसिकली लॉन्च करी है ये किताब इन्होंने और माफ कीजिएगा मैं आपको बोल गया कि वेंकैया नायडू जी नहीं लिखी है लिखी इन्होंने नहीं है अभी फिलहाल के वर्तमान के मिजोराम के गवर्नर या राज्यपाल जी ने यह किताब लिखी है राइट मिजोराम के राज्यपाल ने यह किताब लिखी है अच्छा अब सवाल बन सकता है सर कि मिजोराम के बारे में जो बुक रिसेंटली लिखी गई उसका नाम क्या है ओह मिजोराम किसने लिखी है एम एस श्रीधरन पिल्लई ने किसने उसका अनावरण किया है वेंकैया नायडू जी ने मिजोरम कहाँ पे है भारत की ये वाली राजधानी है यह आपका मिजोरम यह है दूसरी आपकी त्रिपुरा राइट right? भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों का एक हिस्सा है मिजोरम ओके परफेक्ट बेसिकली इन्होंने मिजोरम के बारे में जोग्राफिक लोकेशन के बारे में अलग अलग जगहों के बारे में बात करी है और सबसे बड़ी बात है मिजोरम के साथ इनका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा वही चीज शेयर करिए कुछ ज्यादा इसमें आपको इंटरेस्ट वाली चीज मिलेगी नहीं मिजोरम का अपना एक्सपीरियंस और सुंदरता के बारे में बहुत सुंदर इलाका है मिज़ोरम वास्तव में 125 से ज़्यादा किताब लिख चुके हैं वो मलयालम के अंदर कौन जी जो राइटर हैं पी श्रीधरन पिल्लई जी 125 से ज़्यादा किताब है अंग्रेज़ी के अंदर और मलयाली भाषा के अंदर मलयाली भाषा ठीक है ना चलिए पहला सवाल आज का इसका जवाब दीजिए शुरू हो जाइए और बेसिकली अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है यूट्यूब पर भी आप सेम क्लास देख सकते हैं ग्रेडअप पी मिजोरम का राष्ट्रपति कौन है मिजोरम के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी जो दिल्ली के राष्ट्रपति भी हैं जो कर्नाटक के राष्ट्रपति भी हैं क्योंकि तो भारत का तो एक ही राष्ट्रपति होता है रामनाथ कोविंद जी भारत के एक उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम है वेंकैया नायडू जी और मिजोरम के राज्यपाल उन उन्होंने तो किताब ही लिखी है तो उनके राज्यपाल हैं पी एस श्रीधरन पिल्लई ठीक है ना तो बेटा दिल्ली चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब केरला सबके एक ही राष्ट्रपति है बहुत बेसिक सा सवाल था आपका चलिए बहुत खूब इस सवाल का जवाब दीजिए प्यारे बच्चों बहुत अच्छा बहुत अच्छा कर रहे हैं चलिए वेरी गुड करेक्ट आंसर है आपका बी पहली किसान रेल ट्रेन कहाँ से कहाँ तक और कौन से मंथ के अंदर शुरू हुई थी ये बता दीजिए पहली किसान रेल ट्रेन कहाँ शुरू हुई थी और कौन से मंथ बिल्कुल संगोला से शालीमार संगोला कहाँ पर है कौन से राज्य के अंदर है सर कौन से राज्य में मैं नहीं बताऊंगा आपको खुद ये बताना है छंगोला सर है आपका महाराष्ट्र के अंदर शालीमार है आपका वेरी गुड वेरी गुड बताओ बताओ यस yes, बिल्कुल बंगाल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल. Yes. और पहली चलाई गई थी देवलाली से दानापुर बिहार के अंदर बिल्कुल देवलाली से दानापुर बिहार के अंदर देवलाली भी महाराष्ट्र में था दानापुर बिहार में है अब उसे आगे तक बढ़ा दिया वैसे तो ठीक है ना बिल्कुल चलिए अगला अगला क्वेश्चन दोस्तों सो कर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स लद्दाख का कौन सा वह रामसर साइट है ये बताएं जरा स्टेट हैविंग मैक्सिमम रामसर साइट कौन सा है इसका भी जवाब दीजिए भारत का कौन सा राज्य है इसमें सर्वाधिक रामसर साइट है ये भी बता दीजिए फटाफट बिल्कुल बिल्कुल ये तो अभी पढ़ाया था बिल्कुल सर फोर्टी सेकंड, सेकंड फोर्टी में उत्तर प्रदेश में है आठ फिर आता है पंजाब पंजाब में है रामसर साइट्स क्या होती है पानी के वो तालाब या ऐसी बॉडीज ऐसे इलाके जहां पर चिड़िया और जानवर के जीवन के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है और वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड है वेट लेंड, वेट का मतलब हो गया गीला लैंड हो गया जमीन गीली जमीन पानी के इलाके बेसिकली फोर्टी सेकेंड है लद्दाख का ये दूसरा है लद्दाख के अंदर है लद्दाख अब एक केंद्र शासित प्रदेश है राइट बहुत अच्छे इस सवाल का जवाब दें आरबीआई ने पॉजिटिव पे सिस्टम कितने वैल्यू के चेक के ऊपर शुरू किया है मैंने उस एग्जांपल में आपको उनचास हजार लेकर बताया था वो सिर्फ एग्जांपल था वहां फिफ्टी नाइन थाउजेंड मान लो एक लाख रुपए मान लो कुछ भी मान लो बिल्कुल जवाब दीजिए जवाब दीजिए वेरी गुड करेक्ट आंसर है आपका सी करेक्ट आंसर है आपका सी बिल्कुल इस सवाल का जवाब दे, दे फटाफट और यार आप सब वीडियो यूट्यूब देख देखते रहे हो लाइक कौन करेगा सेशन को लाइक नहीं कर रहे हो यार ये तो बहुत गलत बात है चौथे सवाल से पांचवे सवाल पे तभी चलूंगा जब आप लाइक कर दोगे सेशन को वरना भूल जाते हो यार अब छोटू से बच्चे थोड़ी ना रहे हो लेस देन थाउजेंड पे प्रियंका गुप्ता नहीं होगा मोर देन बिल्कुल बिल्कुल यूट्यूब वाले बच्चों सेशन लाइक करना जरूरी है हाजिरी लगानी जरूरी है तुम्हारी लाइक बटन पर चलिए चौथे सवाल का करेक्ट आंसर डी है वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक ने कितने पैसे की सहायता दी है कितने पैसे की सहायता दी है यह भी बता दीजिए हाउ मच मनी से राज्यों के अंदर बेटा एक ट्रिक बताई थी मैंने राहु कौन से राज्यों पे राहु लगेगा ये जिसमें सड़क के किनारे राजमार्ग के किनारे लगेंगे पेड़ तो कौन से चार राज्य हैं बता दो सात सौ बयासी किलोमीटर की लंबी सड़क के वो हिस्से के ऊपर लगेगा ये पेड़ पौधे आसपास 500 मिलियन डॉलर्स बिल्कुल और ये है राजस्थान आंध्र प्रदेश हिमाचल प्रदेश और यू से क्या है उत्तर प्रदेश है उत्तराखंड है बता दो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड दो बार लाइक हो नहीं रहा दो बार लाइक होता भी नहीं है दो बार डिसलाइक हो जाता है बाबू एक बार ही करो जब वो बिल्कुल ब्लू हो जाता है ना बटन लाइक वाला उसका मतलब तुमने लाइक कर दिया है दो बार दबाओगे तो अनलाइक हो जाएगा वेरी गुड करेक्ट आंसर है जी राहु का यू है उत्तर प्रदेश बहुत बढ़िया आर्मी ने की शुरुआत करी है जो कि भारत और किस ऐसे देश ने मिलकर साथ में संयुक्त रूप से विकसित करी है बता दो फटाफट बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया और जो बच्चे सेशन में बाद में जुड़ रहे हैं ग्रेडअप पी सी एस यूट्यूब चैनल पर यह क्लास लाइव भी चल रही है और पीडीएफ अगर तुम्हें चाहिए ना इस क्लास का चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें ये तुम पीडीएफ चाहते हो तो तो एक तो कर ना, 3800 कुछ उसके सब्सक्राइबर्स है, आपको रोज का डेली का पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हो वरना हमारी वेबसाइट और ऐप पर भी अवेलेबल है और पढ़ो और मंथली करेंट अफेयर्स पढ़ोगे मैं गारंटी से कहता हूँ हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान हर राज्य का एमपी हर राज्य का पीसीएस एग्जाम क्लियर मारोगे मेरी गारंटी है बिहार पीसीएस में फिलहाल में से थर्टी क्वेश्चन से 20, 25 तो हमारे डेली अफेयर से निकले ही निकले डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका करेक्ट आंसर है इस, इस्राइल। इस्राइल के साथ मिलकर हमने एम आर है भारत का पहला मेगा लेदर पार्क किस राज्य में स्थापित होने जा रहा है इन विच सिटी इंडिया पार्क इज गोइंग टू बी इसका जवाब रेट? नेक्स्ट बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आएगा संगीता अभी आया है बेटा एम पी का नोटिफिकेशन आप में से मैं बच्चे चाहे यूपी के हों चाहे बिहार के हों किसी भी राज्य के हो मध्य प्रदेश पी जरूर भरना मध्य प्रदेश के बच्चों तो भरेंगे ही भरेंगे बाहर के बच्चे भी भर सकते हैं ऐसी कोई रोकथाम नहीं है और अच्छा बहुत अच्छा नौकरी होता है एम पी का चाहे सब आपका एस का हो गया चाहे आपका इनका डी एस पी का हो गया माफ कीजिएगा शब्द नाम नहीं याद आ रहा था डी का हो गया तो बहुत अच्छा नौकरी होता है जरूर से भरिएगा और बहुत लाभकारी होने वाला है 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 आपके लिए और सेम क्लास हमारी चैनल चैनल पर भी चल रही है, तो जरूर से जुड़िएगा उसका फायदा क्या है? कि आप ये वीडियो अगर अभी लेट जुड़े हो तो शुरू से फिर से देख सकते हो या बाद में देखना चाहते हो जो भी है ठीक है ना राजस्थान का तो यार मैं छह महीने से सुन रहा हूँ कि अगले महीने आएगा अभी तक तो आया नहीं आयोग में लोग नहीं बता पा रहे कि कब आएगा कोविड की वजह से कोविड की वजह से ना कोई एग्जैक्ट डेट बताई नहीं जा रही पंजाब के लोग भी भर सकते हैं हम एम पी पी सी एस का पेपर यार नेहा कोई गाल नहीं मैं कह रही हूँ ठीक है एम पी पी सी एस के लिए अलग से क्लासेस नहीं होती एमपीपीसी के लिए बिल्कुल यार आपके लिए हम प्लान कर रहे हैं कुछ देखते हैं क्या निकालते हैं आपके लिए एमपीपीसी के बिल्कुल बैचेस ग्रेड अपने कराए हैं हमारे काफी बच्चे एम पी पी सी एस क्लियर भी किए हैं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कानपुर यूपी यूपी पंजाबी मेरे को नहीं है एग्जैक्टली exactly इतनी अच्छे से नहीं आती चलिए थैंक यू शुक्रिया आप सबका मैं आप सबको बताना चाहता हूँ दोस्तों आप सब ग्रेडअप के स्टूडेंट्स हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो जाके और फ्री क्लासेस देखो एक तैयारी तुम्हारी एक तैयारी में तुम्हारी हेल्प हो सकती है दूसरी बात हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जरूर आया करो बिल्कुल सुनील हर करंट अफेयर्स में ये सवाल बन सकते हैं बिल्कुल इसका मैं प्लेलिस्ट भी बनवा दूंगा हर करंट अफेयर्स में आप जरूर से जुड़ा कीजिए हर करंट अफेयर्स हर जगह करंट अफेयर्स है देवोप्रिया पूछ रही है आपको बंगाली नहीं आती नहीं बंगाली नहीं आती मेरे को सिर्फ खूब भालो बोलना आता है खूब भालो चलिए रुकता हूँ मैं यहाँ पे शुक्रिया गाइस आप सबको मैं एक चीज इन्फॉर्म करना चाहूँ अगर आप अगर आप यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस की तैयारी करना चाहते हो तो ग्रेड अप आपकी मदद करेगा यूपी पीसीएस दो और बिहार पीसीएस दो की तैयारी करने में और आपके लिए हम नव वर्ष के लिए न्यू ईयर के लिए कुछ बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर्स भी लेकर आए हैं आप डेफिनेटली उन ऑफर्स का पार्ट भी ले सकते हैं उनका लाभ भी ले सकते हैं अगर आप जुड़ने अप के साथ जुड़ने का सोच रहे हैं आपको बिहार पी के लिए को लाइव क्लासेस के अंदर और मॉक टेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा डिस्काउंट बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है राइट आप जरूर से इसका लाभ ले सकते हैं इसके अलावा अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं यूपी पी सी की या यूपी के किसी भी एग्जाम की देखो यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आपको सेम चीज़ यूपी पी में भी हेल्प करने वाली है जस्ट सेकेंड यस सेम चीज़ आपको यूपी पी में भी हेल्प करने वाली है ओके ओके ऑल राइट सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ़ यू आप सबको बहुत हेल्पफुल होने वाला है चलिए रुकते हैं यहाँ पे शुक्रिया जो बच्चे बाद में ये क्लास यूट्यूब पे भी देखना चाहते हैं उनके साथ लिंक मैंने शेयर कर ही दिया है बीबीए का क्लास नहीं चलता है प्रीति बीबीए का कौन से किसकी बात कर रहे हैं बेटा मैं डेली करंट अफेयर्स कराता हूँ जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं अच्छा है पी कैसे डाउनलोड करनी है केमिस्ट्री अनफोल्ड पूछ रहे हैं बेटा पी डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ग्रेडअप के टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं ग्रेडअप पी के नाम से है टेलीग्राम ऐप के ऊपर ये चैनल है इस पे आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट से भी कर सकते हैं चलिए काफी नए बच्चे जुड़े हैं आज क्लास के अंदर हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करोगे नहीं तो माता रानी माफ नहीं करेंगी और कर दोगे तो फिर आशीर्वाद माता रानी का नहीं मेरा <laughs> चलिए शुक्रिया थैंक यू ऑल फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस क्लास अंकित 66 सिक्स के लिए अभी हम प्रीलिम्स लेकर आए हैं मेंस के लिए नहीं मेंस के लिए भी बहुत जल्दी आपके लिए कुछ ना कुछ आएगा अभी आप प्रीलिम्स की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं राइट और कॉस्ट भी बहुत कम है बहुत ज्यादा कम है ऑफलाइन कोचिंग से कंपेयर कर लेना अगर आप एक बार कॉस्ट कंपेयर करना चाहो तो आपको पता चल जाएगा हाँ जी सत्यम बिल्कुल बिल्कुल सत्यम बिल्कुल राइट बिल्कुल चलिए यूपी का मेंस भी हम बिल्कुल बिल्कुल यूपी कराते कर हैं यस yes, का गुप्ता चलिए शुक्रिया थैंक यू लिंक मैंने शेयर कर दिया है आप हमारी सेम क्लास बाद में यूट्यूब पर भी रिकॉर्डेड देख सकते हैं गुड बाय गाइस गुड लक टेक केयर तोसिफ खान पूछ रहे सर बीपीएससी परीक्षा की कट ऑफ कितनी है बेटा मेरे हिसाब से तौसिफ, ये आपकी 90 से 100 के बीच में रहने वाली है जनरल कैटेगरी की बाकी कैटेगरीज की भी उसी के आसपास रहने वाली है देखो यार तुम्हारे 90 मार्क्स भी आ रहे हैं ना तो तैयारी शुरू कर दो तुम तो. मेंस की तैयारी शुरू कर दो बिहार पीसीएस की 90 से ऊपर ही रहेगी पर कितनी ये संभावित हम बता ये संभावना ही बता सकते हैं एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं ओके अभिषेक देखो एम पी में एक चीज यह होती है कि अगर तुम मान लो बिहार से हो और ओबीसी कम्युनिटी से हो राइट ई या किसी भी कम्युनिटी से हो जन आप ऐसी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हो किसी भी समुदाय से हो तो आप बिहार के अंदर ही आरक्षण ले सकते हो एम पी में जाके जनरल कैटेगरी के ही कैंडिडेट माने जाओगे क्योंकि दूसरे राज्य के हो ना तो एक राज्य का अभ्यार्थी एक राज्य का

की की तो तो डेट भी आ गई है तैयारी तो शुरू कर दो की, और फतेह करो मैं तो यही कहूंगा हर एग्जाम फतेह करो और हर मैदान फतेह करो तो थैंक यू प्लीज अब मेरे को जाना होगा मेरी एक और क्लास है आठ बजे मैं आप सब से बहुत जल्दी एक नए सेशन में भी मिलूंगा राइट थैंक यू शुक्रिया मंडे टू फ्राइडे सोमवार से शुक्रवार शाम सात बजे जरूर से जुड़िएगा हमारे डेली करंट अफेयर्स के सेशन के अंदर ग्रेडअप ऐप के ऊपर भी होती है हमारे YouTube चैनल पर भी होती है पी -सी नाम से जरूर जुड़िएगा दोस्तों शुक्रिया आप का नहीं पता, का।, MP -PCS का तो ही चुका है एम पी का फॉर्म तो भरी दो आप सब लोग चलिए प्लीज आई रुकना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे शुक्रिया आप सबका जल्दी मिलते बहुत जल्दी नई क्लास के अंदर आप सबको गुड नाइट जय हिंद आप सबको भारतवासियों जय हिंद और बच के रहो सुरक्षित रहो कोरोना से फ्री रहो अच्छा रहेगा जय हिंद